नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सरकार अभी विचार कर रही है कि हमारे देश में 3 थिएटर कमांड्स इस्टाब्लिश की जाएं, एक नॉर्थ के लिए, एक ईस्ट के लिए और एक साउथ के लिए। थिएटर कमांड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूएसए में देखो काफ़ी सारी थिएटर कमांड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए यूएसए की अलग से एक थिएटर कमांड है। इस थिएटर कमांड के अंदर आर्मी भी आती है, नेवी भी आती है, एयरफोर्स भी आती है, लॉजिस्टिक्स भी आते हैं, साइबर सेल भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब एक ही कमांड है पैसिफिक रीजन के लिए। अगर नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा या फिर पैसिफिक रीजन में कोई भी सिक्योरिटी चैलेंज आए तो यूएसए की ये थिएटर कमांड एक्शन लेगी। सब कुछ इस थिएटर कमांड के अंडर आएगा। लेकिन हमारे इंडिया में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको पता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एयरफोर्स, आर्मी, अगर नेवी की जरूरत पड़ती है तो तीनों आर्म्ड फोर्सेस को कोऑर्डिनेशन करना होता है वहां पर ऑपरेशन चलाने के लिए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जाता है कि देखो, ऑपरेशन स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्यों ना पहले से ही कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश किया जाए। युद्ध होने के बाद कोऑर्डिनेशन आप इस्टाब्लिश करोगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर पहले से ही कोऑर्डिनेशन होगा, मान लीजिए इंडिया के नॉर्थ में जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर की समस्या है या फिर जो भी चैलेंज है, उनको एड्रेस करने के लिए एक थिएटर कमांड हो, उस थिएटर कमांड के अंदर एयरफोर्स भी आए, आर्मी भी आए, साइबर सेल भी आए, सैटेलाइट लिंक्स भी आए, लॉजिस्टिक जो रिसोर्सेज हैं वो भी आए, ताकि एक ही थिएटर कमांड होगी तो प्रॉब्लम को अच्छे से एड्रेस किया जा सकेगा। लेकिन देखो, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इस डिसीजन का, थिएटर कमांड्स का। खास करके एयरफोर्स पे ये आरोप लगता है कि एयरफोर्स इस प्रकार के प्रपोजल का विरोध कर रही है। और आज के आर्टिकल में एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव वो कुछ डाउट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एयरफोर्स पे सीधा सीधा आरोप लगाना सही नहीं है कि एयरफोर्स थिएटर कमांड्स के खिलाफ हैं। एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है कि देखो, ऑलरेडी एयरफोर्स के पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर एयरफोर्स के रिसोर्सेज इस प्रकार की थिएटर कमांड्स में आ जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं एयरफोर्स के पास। अभी गगन शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई थी एयरफोर्स से संबंधित, उस एक्सरसाइज में ये बात सामने आ गई थी कि अभी बहुत ज़्यादा नए विमान की प्रोक्योरमेंट जरूरी है ताकि एयरफोर्स ठीक से काम कर सके। जब भी देखो कोई कन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहले एक्शन में एयरफोर्स ही आती है, चाहे कोई टेरिटरी से संबंधित कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर किसी प्रकार का मरीन कॉन्फ्लिक्ट हो, एरिया को कैप्चर करना हो या फिर उस एरिया पे होल्ड करना हो, एयरफोर्स की भूमिका काफ़ी अहम होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश करती है दूसरी फोर्सेस के साथ, वो एयरफोर्स ही करती है। तो ये आरोप लगाना गलत है कि एयरफोर्स दूसरी फोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश नहीं करना चाहती। लेकिन सरकार को एयरफोर्स के रिसोर्सेज पर ध्यान देना होगा। आप पूरे मिलिट्री रिफॉर्म्स पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश हो जाएगा। तो लेकिन देखो, मिलिट्री रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आई थी, नरेश चंद्रा रिपोर्ट आई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सभी कमेटीज़ की रिपोर्ट ने एक बात पे फोकस किया था कि आप हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स पे ध्यान दीजिए। लेकिन हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सके हैं, इस वजह से सेकंड टीयर पे अब रिफॉर्म्स लाने की बात की जा रही है। लेकिन जब तक देखो हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, डिफेंस मिनिस्ट्री का लेवल हो या फिर प्रोक्योरमेंट हो, तब तक आप नहीं कह सकते कि मिलिट्री में रिफॉर्म्स लाए जाएं। अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो या तो देखो आपको सभी लेवल्स पे फोकस करना होगा या फिर आप टॉप टू बॉटम की अप्रोच अपनानी होगी। यानी आप टॉप टू शुरुआत करें, उसके बाद सेकेंड टीयर पर आएँ, उसके बाद थर्ड टीयर पर आएँ। आप जो फर्स्ट टीयर है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दें और सीधा सेकंड टीयर पे ध्यान देने लगें, इस प्रकार से मिलिट्री रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते। तो ये तो देखो अलग तरह के कंसर्न्स हैं जो एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बोले गए। लेकिन दूसरे कंसर्न्स भी हैं
थिएटर कमांड इस्टाब्लिश करने के खिलाफ। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं, एक अलग से पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर थिएटर कमांड्स इस्टाब्लिश की जाती हैं तो। कुछ एक्सपर्ट्स इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि देखो यूएसए, चाइना, इनके द्वारा थिएटर कमांड्स इस्टाब्लिश की गई हैं अपने देश से बाहर दूसरे एरियाज पे होल्ड रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूएसए की जो थिएटर कमांड है पैसिफिक ओशन के लिए, वो पैसिफिक ओशन के लिए कमांड है, यूएसए के लिए कमांड नहीं है। अगर इंडिया को इंडिया से बाहर दूसरे एरियाज में ऑपरेशन चलाना हो तब थिएटर कमांड ज़्यादा मददगार साबित होगी, लेकिन इंडिया में ही ऑपरेशन चलाने के लिए अगर थिएटर कमांड से इस्टाब्लिश की जाती हैं तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगी, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया थिएटर कमांड्स के बारे में, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।